और अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज कंट्री। पाकिस्तान की सेना ने भारत को धमकी दी है। पाकिस्तान की सेना ने कहा है कि भारत को घुसकर मारेंगे। अब अगर आपकी हंसी रुक गई हो तो आगे की खबर भी सुन लीजिए। दरअसल पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर जनरल ने भारत को धमकी दी है। ISPR का काम पाकिस्तानी सेना की खबरों को दुनिया तक पहुंचाना होता है, लेकिन पाकिस्तानी सेना का ये मीडिया विंग फर्जीवाड़ा करने और झूठ फैलाने में सबसे आगे रहता है। अब मेजर जनरल अहमद शरीफ इसी ISPR के डायरेक्टर जनरल बने हैं। पद संभालते ही अहमद शरीफ को इतना जोश चढ़ गया कि उन्होंने ये बयान दे दिया कि जरूरत पड़ी तो दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करेंगे। मतलब अहमद शरीफ ने तो हद ही पार कर दी। कम से कम बयान तो औकात देख कर देना चाहिए। बहरहाल ISPR के नए बॉस अहमद शरीफ ने जिस समय भारत को धमकी दी, ठीक उसी समय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने किए कराए पर पानी फेर दिया। एक तरफ सेना का अधिकारी भारत को धमका रहा है तो दूसरी तरफ देश का रक्षा मंत्री भारत का नाम सुनते ही भाग गया। आपको बता दें कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को SCO समिट में रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आना था, लेकिन उन्होंने अचानक भारत आने से मना कर दिया है। उन्होंने इसका कोई कारण भी नहीं बताया है। माना जा रहा है कि पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है। इस हमले में पाकिस्तान की सेना शामिल थी। अब अपनी ही सेना की करतूतें देख पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत आने से डर रहे हैं। जब देश की सेना ही हाथ से निकल जाए तो इसकी कीमत देश के रक्षा मंत्री को ही चुकानी पड़ती है। भारत से डरने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब SCO बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। चलिए कोई नहीं, भारत भी कुछ कम नहीं है। भारत भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को डिजिटल तमाचा मारेगा। वैसे जाते जाते ISPR के DG अहमद शरीफ को दो बातें हम जरूर बताना चाहते हैं। पहली ये कि भारतीय सेना पुंछ आतंकी हमले का बदला लेने के लिए तैयार बैठी हुई है, तो अहमद शरीफ जी हमले की नहीं बचने की तैयारी कर लीजिए। और दूसरी जरूरी बात यह है कि भारत को धमकी देने से पहले अपने पूर्व आर्मी चीफ बाजवा का बयान सुन लीजिए। आपके पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो भारत के खिलाफ लड़ सके। बाजवा ने यह भी कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी के टैंक काम नहीं कर रहे और ना ही सेना के पास इतना पैसा है कि वो उनमें डीजल भरवा सके। अब अपनी सेना की इतनी बुरी खबरें तो आपको पता ही होनी चाहिए। आप तो पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के नए बॉस बने हैं।